हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि हम हिंदू पर्व में सबसे बड़ा त्यौहार होता है जन्माष्टमी का, जो कि कृष्ण भगवान का दिन होता है। इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो हर इंसान मतलब हर तरीके से अपने तरीके से जन्माष्टमी मनाता है। सो हम भी अपनी जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, हम भी वीडियो शूट करना चाहते हैं और कुछ। तो देखो हम तैयारी कैसे कर रहे हैं वो स्कूल ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। लाइक बाकी आगे मोहित बताएगा, क्योंकि मोहित मटका डेकोरेट कर रहा है वीडियोस के लिए। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, हम बाहर से ले लेते हैं मटके, पेंट लगा होता है, कैसे लगा होता है, तो हमें अपना बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रात को हमने सिंपल सा मटका ला के भिगोया, सुबह में निकाल कर रखा, सुखाया, और इसको हम अपने तरीके से डेकोरेट करूंगा मैं। और जब डेकोरेट हो जाएगा, दो मटके लेकर आया हूँ, दोनों करूंगा और फिर बाद में दिखाऊंगा। और कॉमेंट्स में जरूर बताना कैसे डेकोरेट हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मोहित कैसे डेकोरेट कर रहा है मटके को, पूरा डेकोरेट करते हुए हम आपको दिखाएंगे इसमें। और बहुत नेचुरल तरीके से कर रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हम बाहर से करा हुआ, लेकिन ये हम ला सकते थे, बट ये हम ये अपने मन से श्रद्धा से अपने आप थोड़ी अपने कान्हा जी के लिए मेहनत करना तो बनता है ना। अब आपको पूरा दिखाएंगे, अभी वो कर रहा है पेंट, पेंट के बाद जो करेगा हम आपको पूरा दिखाएंगे कि पूरा मटका कैसे डेकोरेट होगा। तो बताना कि कैसा लगा आपको। और अब बांसुरी भी तैयार हो रही है, मोहित कर रहा है बांसुरी भी, हम खुद से ही रेडी कर रहे हैं, हम कुछ भी बाहर से लेके नहीं आए हैं। और आप लोग बताना, और आप टाइमिंग भी देख सकते हो, आप टाइमिंग दिखाओ कितना हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और हम इस टाइम पर भी ये काम कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग सोच सकते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, लोग ऐसी बातें करते हैं ऐसी हो जाती है, बट हम भी करते हैं, करते रहेंगे इस उम्मीद में कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और आप लोग सबके सपोर्ट से हम लोग बहुत आगे जाए, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना। और हमारी राधा रानी भी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं एक कमेंट करके बताना बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छी जगह पे, किसी के घर जा रहे हैं, हमें भी बुलावा आया वहाँ से और हम वहाँ जाके शूट करेंगे वीडियोस। तो बताना, हम बताना क्या, हम खुद ही आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में, आपको देखने को मिल जाएगा और उनके दर्शन भी करवाएंगे जिनके घर जा रहे हैं हम। बताना कमेंट करके गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, क्योंकि आपको इस ब्लॉग में बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं, जो खुश नसीब लोगों को ही मिलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए सारे, फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो जैसे कि आप देखने वाले हो राधा रानी जी का टेम्पल, पूरे ट्रैवलिंग में आरु को वॉशरूम जाना था। बहुत गंदे ये मोहित मामा जी और ये दोनों, अभी तो रुक जा, पत्थर जल रहे। कुछ कहना चाहेंगे मैडम? अच्छा लग रहा है, सब लोग कह रहे हैं राधा रानी की जय, कह रहे राधा आजा मेहंदी लगा जा। अरे राधा मेहंदी लगा जा। ये आप लोग, नीचे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये है बरसाना, आप लोग देख सकते हैं, ये राधा रानी की हवेली है जहाँ उनका जन्म हुआ था। नीचे उनका घर मतलब मामी पापा का घर है ब्रिजवान जी का, और ये ऊपर वो रहती थी, मतलब खेलती थी, कूदती थी, अपनी सहेलियों के साथ रहती थी, पूरा दिखा। ढक्कन हाँ बोल रहे हैं कुछ क्या? अभी 20 मिनट टाइम। तुमने ले 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 ले
चल एक पड़ी है जबरदस्त एक बार प्यार से छोड़ ही देता कोई पानी बाय। जल्दी आओ। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर और आप देख सकते हैं हमारा प्रेम मंदिर। देखिए सारा दिखाइए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। प्रेम मंदिर है और यहाँ की लाइटिंग औसम है। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, यहाँ पे जब मैं देख रहा होगा तो लाइट जलती है तो इसकी लुक ही बदल जाती है, आनंद ही आनंद मिलता है। आप आइए यहाँ पे। दोस्तों ये है बांकी बिहारी, सुंदर है पूरा। घुमा के देखो कान्हा जी की ड्रेसेस मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत 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 प्यारा लग रहा है यहाँ की शॉप। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है, बहुत। एक नंबर रन, चार नंबर रन पे खड़े सचिन के गुंजा जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते रहो, आगे वाले कैमरे, आगे बढ़ाते रहो, आगे वाले कैमरे। फाइनली गाइस हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से दर्शन, बहुत भीड़ थी बट हो गए, अच्छे हो गए दर्शन। राधे 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 राधे। प्रसाद नहीं चला राधे राधे आ जाए। गाइस नसीब वालों को मिलता है, मेरे को तो बहुत सारे दिन ले रहा हूँ इससे। ये अपना ही है भाई। 6 बजे के निकले हुए थे, आपको पता ही होगा बरसाने, प्रेम मंदिर, वृंदावन, और हम लोग इतने थक चुके हैं ना। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, मतलब 10:45 के समथिंग ही हो रहा है। आप समझ सकते हैं पूरा दिन हो गया हमें, और वीडियो बनाने के लिए आप ये इसी से देखो कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम वहाँ से यहाँ तक चल के आए हैं और इतनी मेहनत की है, गर्मी में भूखे प्यासे, इनफैक्ट हमने खाना भी रात को खाया है, बट कोई नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे इस उम्मीद से कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहोगे। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, हमारी भी कुछ चीज़ें हैं इस वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि कुछ सपने हैं इसके भी और मेरे भी जो हमें पूरे करने हैं, और वो आप लोगों की सपोर्ट से ही होंगे। बाकी आप समझदार हैं, सो प्लीज़ अब हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करें। जी गाइस, तो गाइस हम लोग सुबह के निकले हैं, जैसे आपको दीदी ने बताया, सच बता रहे हैं, कुछ भी नहीं खाया कि दर्शन करने के बाद ही दर्शन करते करते वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाने के अभी तक कुछ नहीं खाया, बस थोड़ी देर पहले टिक्की खाई है, एक वृंदावन से एक टिक्की खाई है,
क्योंकि और मेरी हालत आप देख सकते हो कि मैं पूरे दिन इस लुक में, इतने हैवी लुक में मैं 15 से 16 घंटे थी गर्मी में डांस कर रही हूँ भूखी प्यासी, तो मेरी हालत क्या रही होगी। रास्ते में उतारती हुई आ रही हूँ, अभी गाड़ी में भी नहीं बैठे हैं, तो प्लीज़ यार, बट हम सपोर्ट करिए, सपोर्ट चाहते और कुछ नहीं चाहते, हमारे इस ब्लॉग को इतना सपोर्ट करिए, इतना प्यार दीजिए इसमें। बाकी बिहारी राधा रानी के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग वायरल जाए, बाकी देखते हैं। आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके इसे लाइक यहीं पे एंड करते हैं, और बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा जल्दी ब्लॉग लेके आने वाला है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस।